इस पूरे मामले को जो घटना नेटवर्क में मुझे कल इतला हुई थी कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोगों का देहांत हुआ है, तो मैंने सोचा बिजनौर में आके देखूँ, यहाँ पे दो लोगों की हत्या हुई, एक चोट लगी, दूसरे में देखने आई, परिवारों से मिले। मैम, नागरिकता बिल कानून को लेकर विरोध हो रहा है, क्या कहना है इस पर आपका? लोग मरे हैं, बहुत अजीब परिस्थितियों में हुई, तो मैं सुन रही थी परिवार से, खासतौर से उस परिवार से। एक दो लोग और आईसीयू में भी है, बता रहे हैं, बताते हैं। बहुत अजीब परिस्थितियों में, और मेरे ख्याल से यहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मैडम, यहाँ उल्टा किस तरह से हुई है, क्या हुआ है? मैडम, यहाँ उल्टा 2500 लोगों पे और मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 60 नगर। बल्कि जो परिवार के सदस्य हैं, मुझे बता रहे थे कि जब वो FIR दर्ज करना चाह रहे थे, तो उनको बताया गया कि आप दर्ज करोगे तो आप पर मुकदमा लगाएंगे। इस तरह की चीज़ तो ये गैर कानूनी चीज़ है। मैम, किस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए? इंक्वायरी होनी चाहिए कि सब पता चले, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो नागरिक संशोधन कानून है, ये क्या जनहित में है? एकदम देखिए, ये कानून जो है एकदम जनहित के खिलाफ है, खासतौर से गरीबों के लिए। आप बताइए, आप एक किसान से जिसकी जमीन नहीं है, आप उससे कागजात मांगेंगे और उससे सबूत मांगेंगे कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है, कि उसकी भारतीयता का आप सबूत मांगेंगे? कोई डेली वेज में काम कर रहा है, शहर में काम कर रहा है, उसने जाके शहर में अपना घर बसा लिया, एक झुग्गी ले ली, आप उससे उसकी जमीन के कागज मांगेंगे? कौन सा पहचान मांगेंगे कि पता नहीं कोई भी साल आपने ले लिया, 1971 ले लिया या जो भी ले लिया, यदि उससे पहले का कोई पत्र दिखाइए, कोई कागज दिखाइए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, नहीं तो हम आपकी नागरिकता नहीं मानते। मैं मोदी जी कहते हैं, भारतीयता का जो सबूत है उसको मांगने की इजाजत नहीं है। मैं मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इसमें क्या कहना आपका? मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अकेली हैं मैम, प्लीज सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, अर्थव्यवस्था डूब रही है, GDP इससे कभी नीची नहीं गई है, जितनी है उतनी नीची है आज, बेरोजगारी हद से बाहर है। प्रधानमंत्री जी और सरकार उसके उससे ध्यान बहकाने के लिए उन्होंने ये सारा कानून निकाला, जिससे आज आपने देखा इस कानून का देश भर में विरोध है, हर जगह विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं इसका, प्रधानमंत्री और सरकार सुनना भी नहीं चाह रहे।